आपको बताएं कि बलोचिस्तान की जिला सोहबतपुर में बेरोजगारी इंतहा को पहुंच गई है। जूनियर क्लर्क और चपरासी की 16 निशस्तों के लिए 1200 उम्मीदवार इंटरव्यू देने के लिए पहुंच गए हैं। खबर की तफसीलात जानने के लिए हमने रابطہ किया है न्यूज वन के नुमाइंदे सावल जान से। सावल जान, इंटरव्यू देने वाले उम्मीदवारों के लिए इंतजामिया की तरफ से किस किस्म के इंतजाम देखने में आए? जी बिल्कुल, काजिद जिला सोहबतपुर में बेरोजगारी की इंतहा हो गई है। मुकमा तालीम की जानिब से जूनियर क्लर्क और चपरासी की 16 निशस्तों के लिए 1200 बेरोजगार नौजवान जिला सोहबतपुर के मुख्तलिफ इलाकों से इंटरव्यू देने के लिए पहुंच गए। इंटरव्यू डीसी ऑफिस के साथ ही फुटबॉल ग्राउंड में रखा गया था। 1200 उम्मीदवारों को कंट्रोल करने के लिए मुकमा तालीम के कारकुनों की मेहनत भी रंग ना ला सकी और फिर मजबूरन पुलिस इंतजामिया को बुलाना पड़ा। पुलिस के आने के बाद उम्मीदवारों ने शोर शराबा कम किया और लाइनों में बैठ गए। 1200 उम्मीदवारों को पेपर हल करने के लिए दो घंटे का वक्त दिया गया था। इंटरव्यू डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर मोहम्मद बिलाल, डीओ फीमेल जायदा परिन और सैफल खान बंबल की सरबराही में लिए जा रहे थे। सारे उम्मीदवारों के मोबाइल फोन भी बंद करवाए गए। कुछ उम्मीदवारों ने तो ये भी इल्जाम लगाया कि ये जो सीटें हमें पहले ही से किसी बासर और सिफारिश याफ्ता आदमियों को दी जा चुकी है, आज ये इंटरव्यू तो सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरे करने के लिए है। जी बहुत शुक्रिया सावल जान, हमें अपडेट कर रहे थे सोहबतपुर से, जहां 16 निशस्तों के लिए 1200 से जायद उम्मीदवार इंटरव्यू देने के लिए पहुंच चुके हैं। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला हम जारी रखेंगे, वक्त हुआ एक ब्रेक का, आप देखते रहिए न्यूज़ 1।